हाय गाइस, मैं हूँ अब्दुल कादिर। गाइस, आप लोगों ने काफी सारा वीडियो देखे होंगे, इनो का अंदर ओरियो बिस्कुट डाल के वीडियो एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन आज हम पूरा अलग सा वीडियो लेके आए हैं। आज हम देखेंगे जो ओरियो बिस्कुट है ना, उसको गर्म पानी में मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, और ठंडा पानी में मिक्स करने के बाद क्या रिएक्शन होगा, तो कोका कोला का अंदर हम बिस्कुट को मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, वही आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा पास ये ओरियो बिस्कुट है और है कोका कोला, देख सकते हो कोका कोला है, इसमें गर्म पानी है और इनो, कोई चीज से आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज तक आपने ऐसा वीडियो और कोई भी नहीं देखा होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा वीडियो में। तो हम अभी चलते हैं वीडियो का मेन टॉपिक में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास है कोका कोला, नॉर्मल पानी, ये देखिए नॉर्मल पानी, ये है गर्म पानी और इनो एंड बिस्कुट, ये सभी से हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फिर अभी हम चलते हैं वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया है दो ग्लास, ये देखिए आप देख सकते हो, मैं दो ग्लास ले लिया हूं। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, पानी मिक्स कर देंगे दोनों में। तो हम क्या करते हैं, अभी एक में नॉर्मल पानी डालते हैं, ये देखिए हम ये वाला में नॉर्मल पानी डाल रहा हूं और दूसरा वाला में गर्म पानी डालेंगे। गाइस देख सकते हो, गर्म पानी हमने इसमें डाल दिया। तो गाइस अभी हम ये देखिए बिस्कुट को फाड़ के उसमें डाल देते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है वही आज हम देखेंगे। ये देखिए मैं अभी नॉर्मल पानी में डाल रहा हूं, आप देख सकते हो मैं डाल दिया हूं नॉर्मल पानी में, ये देखिए 4-5 सेकंड का अंतर नीचे गिर गया है। अभी हम जो गर्म पानी है गर्म पानी में डाल रहा हूं, देखिए ये भी ऐसा ही 2-3 सेकंड का अंतर नीचे चला गया है, ये देखिए 2-3 सेकंड का अंतर ये नीचे चला गया है। अभी हम ये दोनों को गूंद लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके देखते हैं कौन सा ज्यादा जल्दी से मिक्स होता है। तो गाइस आप देख सकते हो, जो गर्म पानी है वो वाला में पूरा मिक्स हो गया, ये देखिए उससे कलर भी चेंज हो गया, और जो ठंडा पानी है तो वाला, ये देखिए ठंडा पानी वाला जल्दी मिक्स नहीं हो रहा है, ये देखिए बिस्कुट अभी भी है, ये देखिए अभी बिस्कुट है। आप देख सकते हो मैं कितना टाइम से उसको हिला रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो 2-3 मिनट घुमाने के बाद वो गर्म पानी जैसा हुआ है, ये देखिए अभी दोनों सेम लग रहा है, लेकिन गर्म पानी वाला काफी जल्दी मिक्स होता है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है गर्म पानी वाला, लेकिन ठंडा पानी वाला जल्दी मिक्स नहीं होता है। तो गाइस अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखेंगे कोका कोला और नॉर्मल पानी में बिस्किट मिक्स कर दे तो क्या होता है, रिएक्शन क्या मिलता है देखने के लिए, अभी हम वही देखेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, मैं दोनों ग्लास इधर रख दिया हूं, अभी हम क्या करेंगे, एक में नॉर्मल पानी मिक्स करेंगे, ये देखिए एक में मैं नॉर्मल पानी मिक्स कर दिया हूं, और एक में हम क्या करेंगे, एक में हम कोका कोला मिक्स करेंगे, एक में हम कोका कोला डालेंगे, ये देखिए कोका कोला। तो गाइस बताओ यार, अभी हम ये दोनों में बिस्किट मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ये देखिए मैं बिस्कुट मिक्स कर रहा हूँ कोका कोला में सबसे पहले, और ये मैं नॉर्मल पानी में, आप देख सकते हो नॉर्मल पानी वाला तुरंत ही नीचे चला गया है, कोका कोला वाला अभी भी ऊपर है। ये देखिए गाइस, ये वीडियो आप गौर में भी ट्राई कर सकते हो, 4-5 मिनट हो गया लेकिन अभी भी नीचे नहीं गिर रहा है। गाइस मुझे लगता है ये वाला पूरा नरम हो गया, एक बार देख लेते हैं। देखिए गाइस, ये देखिए मैं जैसा डाला था ऐसा, लेकिन पूरा गिरा हो गया है, पूरा नरम हो गया है, आप देख सकते हो।
गाइस, तो अभी हम मिस करेंगे नॉर्मल पानी और जो इनो है ना, इनो मिस करेंगे, मिस करके देखेंगे वो दोनों का रिएक्शन क्या होता है। देखिए मैं डाल दिया हुआ अभी पानी, इसमें भी पानी डाल देते हैं। ये देखिए इसमें भी पानी डाल दिया हूं। अभी हम क्या करेंगे, एक में इनो मिस कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मैं इनो को इस पानी में डाल रहा हूं। ये देखिए मैंने पूरा इनो को डाल दिया हूं पानी में। छोटू डालेंगे ये वाला, तो आप देख ही सकते हो मैंने एक ही साथ में दोनों बिस्कुट डाला है। एक तो थोड़ा नीचे चला गया है नॉर्मल पानी वाला, और हमारा जो इने वाला है ये वाला अभी भी ऊपर में है। बिस्किट अभी भी इने वाला का ऊपर में है। ये देखिए तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए अभी भी ऊपर में है बिस्किट। तो गाइस आप देख सकते हो बिस्कुट किस तरीके से हो गया। ये देखिए ये वाला तो नीचे गया ही नहीं, ये वाला तो नीचे चला गया। आप देख ही सकते हो इस तरीके से बन गया है। और एक बात है, ये देखिए इन वाला जो है वो उसका ऊपर में बिस्कुट रह गया। ये देखिए मैं जितना भी उसको मिस करने का कोशिश करता हूँ लेकिन उसका नीचे नहीं जाता है, ऊपर में उठ जाता है। ये देखिए, और इसका तो नॉर्मल पानी जो वाला था ना, ये वाला, ये देखिए इसका नीचे नॉर्मल पानी वाला का नीचे बिस्कुट गया है, और जिसमें इन्हों मिस किया था ये वाला, ये देखिए इसका ऊपर है। जैसा कि आप देख ही सकते हो तो गाइस मेरा पास कुछ भी नहीं है आपको बोलने का। जो कुछ भी था सब कुछ आपका सामने था, आपने सब कुछ देखा। तो गाइस वीडियो में मजा आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।